मेरा नाम खालिद है, खालिद अंसारी। हम लोग जामिया नेशनल फाउंडेशन की तरफ से आए हैं। ये एक इदारा है, ये वैसे तो बच्चों की जो तालीम अधूरी रह जाती है या आगे उसके फ़रोग के लिए हम लोग काम करते हैं, लेकिन आपकी ख़बर हमने ओखला टाइम्स में पढ़ी तो इंसानियत के नाते चूँकि बहुत सारे मसले थे और उसमें सबसे बड़ा मसला इस टाइम पे रिस्क का है कि अगर खाने के लिए भी इंसान के पास ना हो तो बाकी परेशानियां तो झेल लेता है, लेकिन ये मसला बड़ा था। तो ये एक छोटा सा हमारी तरफ से खिदमत है कि अगले 3-4 महीने का राशन जो है ये हमने मुहैया कराने की कोशिश की है। तो आप भरोसा रखिए, अल्लाह ताला इस आजमाइश के बाद जो है आपको और आगे मदद करेगा। तुमसे पूछ रहे हैं कि जसोदा की तरफ से बाहर निकलना चाहोगे, ये रेसी भी आगे होंगे। तो आप भरोसा रखिए, अल्लाह ताला इस आजमाइश के बाद जो है आपको और आगे मदद करेगा। आई थिंक मैं आपसे कुछ कहना चाहूँगी। मेरा बेटा है, नूर नगर स्कूल में पढ़ता है। अच्छा। लेकिन मुझे वहाँ का माहौल बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अच्छा, तो मैंने अपने बेटे को वहाँ से हटा लिया है। अच्छा। तो अभी मेरे बेटे घर में ही हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं। किस क्लास में है? ये एट क्लास में थे, 9th में आने वाले थे, लेकिन मेरे को वहाँ के गाली गलौज, उल्टा सीधा माहौल मतलब माहौल की वजह से ना मैंने अपने बेटे को उस स्कूल से निकाल लिया। अच्छा, अच्छा। अब मेरा बेटा पढ़ने में तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा है, इंग्लिश में भी, हिंदी में भी, उर्दू में भी जी पढ़ाते भी है, और हदीस भी पढ़ाते हैं, लिखा हुआ है। अच्छा। कुरान शरीफ भी पढ़ाते हैं। अदरवाइज ये है कि मेरे बेटे का अगर किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन हो जाता है, और मेरा बच्चा ये सोचता है कि मैं अपनी लाइफ में अपने माँ बाप का सहारा बनूं और कुछ मतलब कर बैठूं अपने माँ बाप के लिए, लेकिन पढ़ेगा जब ही करेगा। नहीं, जज्बा बहुत अच्छा है उसका, तो कोशिश आप भी जारी रखिए, हम भी देखते हैं अगर कोई ऐसा अगर चीज़ मुमकिन होती है जहाँ पे उसकी मदद की जा सके। अच्छा, चोट लगी है तो वो खबर हमने पढ़ी तो एक इंसानियत के नाते हम लोगों ने सोचा कि बिजली है या बाकी की परेशानी है वो तो बाद में भी हो जाएगी, लेकिन कम से कम राशन, हाँ तो ये राशन पढ़ाई के लिए भी प्रॉब्लम पड़ रही है। ठीक है, ठीक है, अल्लाह ताला उसमें भी मदद करेंगे जी इंशाल्लाह। तो ये कुछ राशन है करीब करीब 4-1 महीने के लिए जी। ये काफ़ी हो जाएगा जी। बाकी खिलाने वाला तो अल्लाह ताला है, तो अल्लाह ताला कोई और सबब पैदा करेंगे ताकि आपकी और जो ज़रूरियात हैं वो भी पूरी की जाए जी इंशाल्लाह। तो बस यही है कि छोटी सी खिदमत हमारी तरफ से है, आप उसको कबूल करें। कैसी बातें कर रहे हैं आपने, हमें अपना समझा जब भी आप हमारे पास। और मैं दुआ करूँगा अल्लाह ताला आपको जो है परेशानी से जल्दी निकाले जी। ये आजमाइश होती है, वक्त बदलता रहता है जी सर, तो हिम्मत रखिए आप जी। भाई देखो हाथ लगा रहे हैं, ये उठा, हाथ लगाइएगा, दिखाइए दिखाइए, ये फटा हटा दो, इसको इधर कर दो।